नमस्कार दोस्तों, अस्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक वाटी है, दोस्तों देखिए साफ्टिंग गया हुआ है और इसका बुश गया हुआ है। इसके बुश डालने वाले हैं, साफ्टिंग डाले हुए हैं। दोस्तों इस पर लिखा हुआ है 90 रुपये। आप बोलेंगे बुश साफ्टिंग डालेगा 90 रुपया? दोस्तों गौर से देखिएगा, लिखा है इस पर 90 रुपया, तो ऐसे नहीं कभी बुश साफ्टिंग डाल के 90 रुपये ले लेंगे। दोस्तों अक्सर लोग क्या करते हैं, बुश डालेंगे लोग तो देखते नहीं है बुश किस में डालना चाहिए किस में नहीं डालना चाहिए। दोस्तों आपको कुछ पहचान कर डाला हूँ, बुश किस में डालना चाहिए किस में नहीं डालना चाहिए। दोस्तों देखिए, अभी ये घूम रहा है, इसे कैसे खोलेंगे आप? इसे खोलो दोस्तों कोई भी, तो उसके लिए दोस्तों इसको खोलो कैसे खोलेंगे आप? इसको खोलना हो दोस्तों आपके पास मंकी पकड़ और ये पकड़ और एक लॉक पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, कोई नट खुलता ही नहीं है, हम खोल के परेशान हो जाए, खुलता नहीं है। तो पहले आप इसे ट्राई करें, इसको इसे पकड़ लें दोस्तों, मंकी पकड़ को आप यहाँ ना पकड़ेंगे क्या होगा, अभी लगाएंगे आप, ये देखिए फिर थोड़ा चौड़ा पड़ता है, हमें ताकत कम लगता है। तो इसके लिए हमेशा जब भी टाइट करना हो तब एक खादा नीचे लाएँ, फिर क्या है आप देखिए, अभी बराबर आपकी ग्रिप में है और आपकी पकड़ में ही है। हम इसे इस तरह पकड़ लें और ज़ोर से पकड़ें एकदम फुल टाइट, फिर आपको इस तरह से खोलना है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है पता है, ये देखिए मैं अभी खोल लिया हूँ, अब दिखाता हूँ मैं, अभी समझिए खुल गया। और दोस्तों साफ्टिंग हमारा ख़राब है, एक पहचान कराता हूँ मैं किस में क्या होता है। ये देखिए अभी इसको पकड़ के टाइट कर दें, मंगी पकड़ से पकड़ी साफ्टिंग जोर से, तो सभी नहीं खुल रहा है। दोस्तों उसके लिए आपका लॉक पकड़ होना चाहिए, कभी कभी नट खुलता नहीं है, अगर आपको ब्लेड लगाना है क्या करेंगे आप, उसके लिए आपको लॉक पकड़ होना चाहिए। अभी एक मित्र ने मुझे कमेंट किया था कि सर जिसके जार का नट ना खुले तो क्या करें। दोस्तों उसके लिए आपको, अगर आपका ये पकड़ है और ये पकड़ है तो खुलना बहुत मुश्किल होगा, आप खोल नहीं पाएंगे, या फिर वाइस होना चाहिए या फिर लॉक पकड़ होना चाहिए। आपका नट अगर ये ब्लेड घूम रही है और एकदम फुल टाइट है तो खुलना बहुत मुश्किल है, फिर आपको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, नट ब्लेड सेफ्टिंग तीनों डालना पड़ेगा नया। तो उसके लिए ये लॉक पकड़ जरूर लेके आए। दोस्तों इसको इस तरह से पकड़ ले। अब दोस्तों देखिए, अगर अभी नहीं खुलता हो, समझिए आपने लगाया, हाँ खुल गया दोस्तों, अगर नहीं खुलता है तो उसका तरीका है मेरे पास, मैं तो बताऊँगा कभी अगले वीडियो में, कभी अगर ना खुलता हो तब। ये तो खुल गया, अभी आराम से खुल गया और ये डाल दे नया। दोस्तों देखिए, अभी आप देख पा रहे हैं हमारा कैसा है ये, अगर आप इसको डालने जाएंगे बूस तो क्या होगा, बूस तो आप डाल देंगे और चलेगा भी कुछ दिन, ऐसा नहीं कि तुरंत ख़राब हो जाएगा। मैं आपको निकाल दिखाता हूँ क्या पोजीशन है इसका, समझिए आपने इसको इस तरह से निकाल दिया। अभी क्या होता है, अगर ये जगह कमज़ोर हो गया आप बूस डाल देंगे तो कुछ दिन चलेगा ये, और फिर से ये बूस आपको हिलने लगेगा, हिल के तो क्या होगा आपका बुश खराब हो जाए फिर से। दोस्तों कभी आप देखें ये जगह सड़ गया हो, ये जगह सड़ गया हो अगर, तो इसको बुश ना डालें। दोस्तों ये जगह सड़ गया है, दूसरा देखिए प्लास्टिक बेस है ये हमारे पास, प्लास्टिक बेस है, अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक दिख रहा खाया हुआ है, अगर आप बुश निकालते फिर आपको दिखाता हूँ मैं। अब जब मैंने बुश निकाल दिया और ये जगह काफ़ी कमज़ोर है, इसको आप बुश डालेंगे तो क्या होगा आपका बुश खराब हो जाएगा फिर से, तो आपको ऐसा नहीं करना है कभी भी। आप पहले ये पक्का कर लें कि आपका बेस एकदम चकाचक है, अच्छा है, तब बुश डालना है आपको। मैं हमेशा, मेरा जोर रहता है आपको समझाने का और मेरे बच्चों को समझाने का कि हमेशा आप काम करेंगे ना का एकदम अच्छा करना है आपको, थुक पट्टी करना नहीं है, या आप शुद्ध मान लें कि मैं अच्छा काम करूँगा, उसके बाद आपके पास काम की लाइन लग जाएगी, आप अच्छा काम करिए बस। दोस्तों हमारा ये भंगाड़ी है, ख़राब है, मैंने केवल रखा था आपको दिखाने लिए कि आपको बुश डालना है, किस में डालना है किस में नहीं डालना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। ऐसा नहीं कि आपने बुश डाल दिया इसके अंदर, इसमें आपको बुश डालना नहीं है, इसे बुश डालना नहीं है, जिसका बेस एकदम अच्छा हो, चकाचक हो, एकदम फर्स्ट क्लास, उसमें बुश डालना है आपको। दोस्तों मैं इसके बुश डालने वाला नहीं हूँ, इसमें डाल बेस डालने वाला हूँ और साफ्टिंग डालने वाला हूँ, इसके मैं इस पर लिखा है 90 रुपया। दोस्तों देखिए इसका बेस डालना अपने को, इसके लिए 3 स्क्रू खोलना आपको, मैं 3 स्क्रू खोल लेता हूँ, ये 3 स्क्रू खोल लें आप। दोस्तों देखिए हमने खोल लिया स्क्रू, फिर आप इसको इस तरह निकाल लें। दोस्तों अगर पैड आपको अच्छा लगता है कि अच्छा है तो डालना है, अगर आपको लगे अच्छा है खराब है तो नहीं डालना है।
दोस्तों पैर हमारा खराब ही है, डालता नया ही। दोस्तों देखिए कितना पतला हो चुका है, ये पूरा सड़क ख़त्म है। अगर बुझालेंगे इसको तो क्या होगा, ग्राहक का पैसा फालतू जाएगा, तो फिर दोबारा तुम्हारे पास आएगा भी वो। आपको ऐसा नहीं करना कभी भी दोस्तों, हमेशा आपको ग्राहक का पैसा वसूल काम करना है। दोस्तों हमेशा आपको पैसा वसूल काम करना है। फिर आप उसको ऐसा रख ले, स्क्रू लगा टाइट कर दें। दोस्तों मैं टाइट करता हूँ, दोस्तों देखिए टाइट कर दे फुल, दोस्तों मैं टाइट कर दिया है। अब दोस्तों क्या करें, आपको आपको लगाना है अभी साफ्टिंग। दोस्तों साफ्टिंग में आपको अच्छी क्वालिटी का लगाने का, चारों साफ्टिंग नहीं लाने का है। साफ्टिंग ऐसा अंदर है कि आपका जंग पकड़ ले। दोस्तों देखिए ये साफ्टिंग मैंने लगाया हुआ है, ये और काफ़ी पुराना साफ्टिंग है ये। दोस्तों देख पा रहे हैं ये पूरा साफ्टिंग पूरा घिस गया है, लेकिन जंग पकड़ना थोड़ा भी। तो साफ्टिंग हमेशा ऐसी साफ्टिंग लाए। फिर दोस्तों आपको हमेशा इसको फुल टाइट करने का है। लोग क्या करते हैं मैं देखता हूँ, लोगों को इस तरह से पकड़ लेंगे और ये वाला पकड़ लेंगे, इससे आप टाइट कर देंगे ऐसे ही। दोस्तों ये वाले पकड़ से फुल टाइट होता नहीं है। दोस्तों कभी टाइट करना हो तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, ऐसे कपड़े लेने का, इस ब्लेड को हाथ में पकड़ लेने का और फिर मंकी पकड़ को दो नंबर पर लाने का और एकदम फुल टाइट करने का दबा के। दोस्तों मेरा टाइट किया हुआ साफ्टिंग खराब होने के बाद ये ढीला होगा निकलेगा, ऐसा नहीं कि निकल के चला जाए, इसकी हिम्मत नहीं है कि निकल जाइए। दोस्तों देखिए फुल टाइट करना है आपको। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ लेंगे पक्का से और फिर टाइट करेंगे। आपको ये गलती बिल्कुल करना नहीं है, क्योंकि आपने ज़ोर से पकड़ा तो इस पर आपको निशान आ जाएगा, ये मार लग जाएगा, फिर आप डालेंगे बूस के अंदर तो बूस आपका ख़राब हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्तों देखिए फिर आप डालेंगे इसके अंदर, आप देख लें। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी ये नहीं घुस रहा है तो क्या करेंगे, मैं कितने लोग देख चुका हूँ, इसको ऐसे दबा देंगे तो क्या यहाँ निशान आ जाएगा, फिर जब अच्छी इसमें घुसा ऐसे घुसा घुसा के इस जगह पर ला लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वाटी रिपेयरिंग करने का है तो एक रेमर जरूर लेके आए। दोस्तों देखिए इसको पहचान लीजिए आप, ये जरूर लेके आए। अगर दुकानदार हैं आपको सही काम करने का है, वाटी रिपेयरिंग का सही से करने का है, तो रीमर जरूर लेके आए। दोस्तों हमारा जो रीमर है ये 8 mm का है, कितना 8 mm। दोस्तों फिर आपको इस तरह डाल देना है इसके अंदर और दो बार घुमाएंगे, बस आपका साइड बन जाएगा बराबर। दोस्तों हमारा बूस अच्छी क्वालिटी वाला है, इससे क्या होता है, दोस्तों हमारा रीमर जो है काफ़ी पुराना है, कम से कम मुझे लगता है 3 साल हो गया इसको, इस रीमर को ख़रीद के, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। दोस्तों हमेशा आपका औजार अच्छी क्वालिटी वाले खरीदने का है, ऐसा नहीं। दोस्तों देखिए अभी कितने दुकानदार ऐसे हैं कि आपने डाल दिया ये और ऐसे फिटिंग करके दे देंगे, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गौर से देखिए आप इसके अंदर कितना गैप है, ये बहुत ज़्यादा गैप, मसाला बारीक होगा नहीं। और सारे दोस्तों एक ब्लेड ऊपर है एक ब्लेड नीचे है, इसमें क्या होगा, अगर आप ऐसा दे देंगे तो आपको बूस 4 दिन में उड़ जाएगा या 10 दिन में उड़ जाएगा। फिर कस्टमर आएगा बोले क्या सेट कैसा वाटी बनाए, फिर ऐसे मगज मारी करेगा वो। तो इसके लिए पहले क्या करें, एक वासा ले लें यहाँ पे इस तरह से और इस पर लगा दें। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, आपको ब्लेड का सेटिंग करना है। दोस्तों ब्लेड सेटिंग करनी है, ये देखिए ये मैं कहाँ पकड़ रहा हूँ, इसको ऐसा हल्का से बेंड करें, दोनों से पहले हल्का बेंड करें, क्या डालें वाटी के अंदर, वाटी डाल के देख लें क्या आप गैप कम हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों गैप कम हो गया, थोड़ा और बेंड करना पड़ेगा इस तरह से। वाटी को सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप वाटी सेटिंग करना आपको आ गया तो आपके बनाए हुए बूस, मतलब बूस डालेंगे आप, साबुन डालेंगे आप, तो आपका वाटी का लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा और कस्टमर से कमेंट नहीं करेगा। दोस्तों देखिए आपको हमेशा दबाना है। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ रखे दबाया था तो यहाँ थोड़ा बेंड हो रहा है, तो क्या करें, फिर आपको इसको इस तरह पकड़ लें और हल्का सा इधर बेंड करें ताकि कहीं भी कोई गैप ना हो। दोस्तों देखिए फिर आपको वाशर लगाना है। दोस्तों वाशर में आप देख पा रहे होंगे इसमें हरा वाशर है और एक लाल वाशर है, ये लाल वाशर कौन सा है, ये पानी में डालते हैं फूक जाता है, तब कोई लगाना नहीं है, ये वाशर अलग है, ये पानी में डालो कहीं डालो फूकेगा नहीं। तो आपको इस तरह वाशर डालना है और ब्लेड का सेटिंग परफेक्ट करना एकदम, इस तरह समझिए कि आपके पास कोई बोले कि माप को निकालना है आपको, तो एकदम ऐसा माप लें कि आपको जितना समझिए, आपने एक ब्लेड को इतना नीचे रखा दूसरे को इतना नीचे अंदर रखना है, एकदम सेम टू सेम, यानी नीचे का तल और ब्लेड के अंदर गैप परफेक्ट इतना होना चाहिए। अब गौर से देखिए मेरी उंगली को,
इतना गैप रहेगा, इसमें क्या होगा, आपका मसाला जो है एकदम अच्छा बारीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बारीक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर दोस्तों आपके ऊपर सेटिंग हो चुकी है, या ऊपर सेटिंग हो जाए उसके बाद में आपको ऑयल डाल देना है। दोस्तों ऑयल डाला नहीं है, एकदम जरा डालना है, ऑयल डाल देना है इसके बाद में, फिर ऊपर वसा लगाना है। दोस्तों वाटी एकदम फ्री होना चाहिए, वाटी फ्री भी होना चाहिए, प्ले भी नहीं होना चाहिए, और साथ में दोनों काम होना चाहिए। दोस्तों आलोचना करें, वाटी रिपेयरिंग में क्या होता है, कभी कभी एक बार दो बार तीन बार खोलना पड़ता है, तो इसके लिए आपको आलोचना करना है, और जितनी बार खोलना पड़े उतनी बार खोलें। दोस्तों देखिए हमारा ये, हमको लगा था कपड़ा ख़राब है, इसके लिए मैं चढ़ के जा रहा। दोस्तों देखिए आप ये भी ध्यान रखें कि आप जो खोलेंगे आपकी नज़र होनी चाहिए आपके हाथ पे, क्या हुआ देखो दोस्तों, ये हमारा ये नट थोड़ा फटा दिख रहा था मेरे को, इसलिए मैं जा तक लगाया जानबूझ के, कि स्लिप होता है क्या दोस्तों, स्लिप है। अब दोस्तों देखिए जो वाटी लेता हूँ भंगार में उसका कपड़ा रहिए, मैं क्या करता हूँ ऐसे कपड़ा निकाल रखता हूँ मैं, क्योंकि मैं ग्राहक को बोला था खाली बेस और सैफ्टिंग, तभी मेरा ध्यान नहीं गया था इसके ऊपर, ये कपड़े के ऊपर कपड़ा ख़राब होगा, और भी क्या अगर कपड़े डालेंगे आप तो नुकसान हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या है, हमारा ये कपड़ा अच्छा है, तो ये कपड़ा लगा दी क्या होगा, इसमें ग्राहक का काम भी हो जाएगा, आपको भी काम हो गया, आपके पैसे बच गए और ग्राहक का काम भी हो गया। वही अगर नहीं पड़े आपको क्या करें, यहीं लगा दे देंगे, फिर कस्टमर दो मिनट आएगा, आपको ऐसा नहीं करना है। ये भंगार के बेनिफिट हैं, इस तरह लगा दें और देख लें। दोस्तों देखिए बिल्कुल प्ले नहीं है, एकदम प्ले थोड़ा भी नहीं है, आपको प्ले भी ना हो और एकदम परफेक्ट शेडिंग करें, इस तरह से वाटी रिपेयरिंग करें आप। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि डाली वीडियो में उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों को समझ में कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।